दोस्तों राम राम। अपनी हरियाणा के विधायक आखिर कितनी संपत्ति ले रहे हैं, आओ देखें हरियाणा का सबसे गरीब और सबसे अमीर एमएलए फिर खट्टर साहब कितनी दौलत ले रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का कौन सा नंबर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी माया के स्वामी हो लिए, गेला गेल इन मंत्रिया की गोज भी टटोल लेंगे। आओ देखें अपने हरियाणा के हरेक एमएलए की संपत्ति की पोल खोल। हरियाणा के सबसे गरीब एमएलए से बीजेपी के सिटिंग मंत्री कृष्ण लाल पवार ने हराने वाले मारी विधानसभा इसराना के बलबीर सिंह 40,85,000 की संपत्ति उन्हें दिखाई से। फिर से एक्ट्रेस सैफ अली खान के शहर पटौदी के एमएलए सत्य प्रकाश 45,00,000 की संपत्ति ले रहे से। उसके बाद प्रवीण डागर अथीन के एमएलए 57,00,000 की संपत्ति ले रहे से। फिर से लक्ष्मण नापा रतिया से 66,00,000 की संपत्ति ले रहे से। फिर है कलनवाली के एमएलए शिशपाल सिंह 83,00,000 की संपत्ति इनके पास है। धर्मपाल गोंदर नीलो खेड़ी से इनके पास 93,66,000 की संपत्ति से। भाइयों ये तो थे वह एमएलए जिनके द्वारा 1 करोड़ भी रुपये नहीं थे ई बाय करोड़ीमल। फिर से जयवीर सिंह खरखोदा तय खरखोदा विधानसभा का एक रिकॉर्ड से इसने कदम भी सेम एमएलए को दोबारा मौका नहीं दिया, पर जयवीर सिंह वो पहले एमएलए हैं जो खरखोदा था लगातार दूसरी बार चुनकर आए हैं। इनके पास 1 करोड़ की संपत्ति से। आगे से भवानी खेड़ा तय विशंबर सिंह 1,09,00,000 की संपत्ति। वो इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्हें कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट को हार का मुंह दिखाया, किसानों के मुद्दे पर खट्टर सरकार का समर्थन वापस लेने वाले सोमवीर सांगवान दादरी के एमएलए के पास 1,10,00,000 की संपत्ति है। दोस्तों जब आपने लाके आपके एमएलए की संपत्ति जो मना बताई उससे थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज्यादा है तो आप कमेंट करके बताइयो। आगे चल रहे तो आपने मिलेंगे अंबाला कैंट के एमएलए और अपने होम मिनिस्टर अनिल विज 1,17,00,000 की संपत्ति है। और 11वें नंबर पर है अपने करनाल के एमएलए मनोहर लाल खट्टर जी 1,27,00,000 रुपए की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। अगले से इनेलो पार्टी छोड़ जेजेपी में शामिल होने वाले उकलाना के एमएलए अनूप दानक खट्टर सरकार में मंत्री इनके पास 1,38,00,000 की संपत्ति है। फिर आए एक और मंत्री नारनौल के एमएलए ओम प्रकाश यादव जी 1,55,00,000 की संपत्ति ले रहे हैं। फिर से धर्म सिंह छोकर समालखा के एमएलए 1,64,00,000 की संपत्ति दिखाई से। इब से गरौंडा के एमएलए अरविंदर कल्याण 1,73,00,000 की संपत्ति। इब वो एमएलए जो एक बार 1977 में विधायक बने थे देवीलाल जी के टाइम पे, फिर जीत के लिए 40 साल इंतजार किया और जेजेपी में आकर 2019 में दोबारा विधायक बने ईश्वर सिंह गुलाते इनकी संपत्ति से 2 करोड़। फिर से रेणु बाला साधुड़ाते 2,27,00,000। उसके बाद राम कुमार इंद्रित 2,42,00,000। सीमा तरीका बड़खल 2,45,00,000। अगला जो एमएलए है उसने अपना प्रचार सिर पर जूता दरका कराया था ओडल के एमएलए जगदीश नायर इनकी संपत्ति है 2,60,00,000। फिर आए पुनाना के मोहम्मद इलियास 2,61,00,000। फिर आई खट्टर सरकार की अकेली महिला मंत्री कलायत एमएलए बनी श्रीमती कमलेश टांडा 2,62,00,000। फिर से जींद के एमएलए डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा 2,66,00,000। फिर से एससीबीसी के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बावड़त 2,76,00,000। उसके बाद नयन पाल रावत प्रिथलात 2,79,00,000। अगले वो एमएलए जो बड़े ठाड़े ओकी के प्लेयर रहे और भारत को सुल्तान अजलान शाकप दिलवाया, ईब खट्टर सरकार में मंत्री संदीप सिंह पियोवा के एमएलए इनकी संपत्ति 2,88,00,000। अगले वो एमएलए जिन्हें बीजेपी के सिटिंग मंत्री कृष्ण बेदी को हराया साबात है रामकरण काला इनकी संपत्ति है 2,93,00,000 रुपए। अगले एमएलए इसारत है डॉक्टर कमल गुप्ता 3,17,00,000। फिर आए सीताराम जी अटेली 3,19,00,000। सुधीर सिंगला गुड़गांव 3,26,00,000। फिर है आसी के एमएलए विनोद भ्याना जी 3,68,00,000। इब वो एमएलए जिन्हें पहलवान योगेश्वर दत्त को पटखनी दी हरियाणा के सबसे चर्चित उपचुनाव बड़ौदा के विजेता इंदुराज नरवाल उर्फ भालू इनकी संपत्ति है 3,87,00,000 रुपए। मैं भगवान तक प्रार्थना करूँ बच्चे 13,00,000 भी जल्दी से इनके खाते में ट्रांसफर हो और ये 4 करोड़ रुपए पहुंचे। फिर से कलानौर से एमएलए शकुंतला खटक 3,91,00,000 रुपए। उसके बाद लक्ष्मण सिंह यादव कोसली 3,94,00,000 रुपए। फिर वो एमएलए जिसने कर्णदेव कंबोज बीजेपी के सिटिंग मंत्री को हराया
रादौर से एमएलए बिशनलाल, इनकी संपत्ति है 4 करोड़। अगले वो एमएलए जिन्हें बीजेपी के सिटिंग मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को हराया, बदली से एमएलए कुलदीप वत्स 4 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति है। ईवाई अपने शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर जगाधरी के एमएलए 4 करोड़ 31 लाख की संपत्ति इनके पास भी है। अगले से इंडिपेंडेंट एमएलए रणधीर सिंह गोलन कुंडरी तहत 4 करोड़ 47 लाख रुपए, फिर आए मेवा सिंह लाडोवा के 4 करोड़ 77 लाख रुपए। अगले से अमरजीत डांडा जुलाना तहत 4 करोड़ 81 लाख रुपए इनकी संपत्ति से। अगले वो एमएलए जिन्हें पहली बार कैथल में बीजेपी का कमल खिलाया रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरा के, इनका नाम से लीला राम जी 4 करोड़ 94 लाख की संपत्ति से। फिर आए मामन खान फिरोजपुर जीरका से 5 करोड़ 44 लाख की संपत्ति, फिर से थानेसर से एमएलए सुभाष सुधा 5 करोड़ 62 लाख की संपत्ति। ईब से अंबाला सिटी के एमएलए असीम गोयल जी 5 करोड़ 63 लाख की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। ईब वो एमएलए जिन्हें राजकुमार सैनी को बड़ी कांटे की टक्कर में गोहाना में हराया जगबीर सिंह मलिक, इनकी संपत्ति है 5 करोड़ 64 लाख। अगले वो विधायक जो जेजेपी में तो है पर जेजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा सा, बीजेपी के सिटिंग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हराने वाले नारनौंद के एमएलए राम कुमार गौतम, इनकी संपत्ति है 6 करोड़ 26 लाख रुपए। फिर से सीनियर पॉलिटिशियन गीता बुक्कुल जज्जर तय 6 करोड़ 44 लाख की संपत्ति ये भी ले रही है। फिर आए बेस्ट एमएलए का अवार्ड लेने वाले वरुण चौधरी मुलाना के एमएलए 6 करोड़ 61 लाख की संपत्ति ले रहे हैं। फिर है संजय सिंह सोना तय 6 करोड़ 67 लाख, आफताब अहमद नू तय 7 करोड़ 23 लाख, इसके बाद रामनिवास नरवाना तय 8 करोड़, फिर आए घनश्याम सराफ जी भिवानी तय 8 करोड़ 12 लाख की संपत्ति है। अगले भी घनश्याम है पर वो दास है, घनश्याम दास जी यमुना नगर तय 8 करोड़ 37 लाख। अगले से अपने डिप्टी स्पीकर नलवा के एमएलए रणवीर गंगवा 9 करोड़ 12 लाख की संपत्ति ले रहे हैं। अगले से बेस्ट एमएलए का अवार्ड लेने वाले एक और एमएलए डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी सीट से 9 करोड़ 57 लाख की संपत्ति से। दोस्तों ई बाओगे महंगे वाले एमएलए यानी 10 करोड़ी। अगले से फरीदाबाद एनआईटी के नीरज शर्मा 10 करोड़ 21 लाख की संपत्ति के मालिक, फिर से राजेश नागर टिकाव तय 10 करोड़ 37 लाख की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। फिर आए चौटाला परिवार के खास डबवाली के एमएलए अमित सिहाग 10 करोड़ 51 लाख की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। फिर आए बिहार के दामाद चिरंजीव राव रेवाड़ी के एमएलए, इनकी संपत्ति है 10 करोड़ 80 लाख, चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव की बेटी के पति हैं। अगले से बीजेपी के सिटिंग मंत्री मनीष ग्रोवर को हराने वाले रोहतक के भारत भूषण बत्रा, इनकी संपत्ति है 11 करोड़ 12 लाख। ईवाई अपने स्पीकर जी ज्ञान चंद गुप्ता पंचकुला विधानसभा से एमएलए चुनकाए 12 करोड़ 25 लाख। अगले से अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री बल्लभगढ़ तय मूलचंद शर्मा जी 12 करोड़ 44 लाख की संपत्ति के मालिक से। इब सुनो मेरे शहर यानी पानीपत आले पानीपत रूरल के विधायक महिपाल डांडा 12 करोड़ 72 लाख के मालिक से। आगे से असंत के एमएलए शमशेर सिंह गोगी 12 करोड़ 73 लाख की संपत्ति से। फिर आए राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली 15 करोड़ 14 लाख की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। ईवाई प्रदीप चौधरी कालकाता है 15 करोड़ 38 लाख की संपत्ति इनकी से। अगले वो एमएलए जिन्हें 2019 का चुनाव सबसे ज्यादा वोटों के अंतर तक जीता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 15 करोड़ 67 लाख की संपत्ति इन्हें दिखाई से। अगले से बीजेपी के रामविलास शर्मा को हराने वाले राव दान सिंह महेंद्रगढ़ के एमएलए 15 करोड़ 70 लाख की संपत्ति इन्हें दिखाई से। फिर आए सबसे उम्र दराज एमएलए बेरी के डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान 16 करोड़ 38 लाख की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। अगले से कुलदीप बिश्नोई के कजिन धूरा राम जी फतेहबाद 17 करोड़ 91 लाख की संपत्ति ले रहे हैं। फिर से सुभाष गांगोली सफीदो के एमएलए 18 करोड़ 51 लाख की संपत्ति ले रहे हैं। फिर आए दीपक मंगला पलवल तय 22 करोड़ 34 लाख की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। अगले वो एमएलए जिन्हें किसान आंदोलन के चलते हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन का पद लेने से मना कर दिया, जेजेपी के बरवाड़ा से विधायक जोगी राम सियाग 24 करोड़ 44 लाख की संपत्ति ले रहे हैं। अगले से ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई इंडिपेंडेंट एमएलए रानिया तय मंत्री भी हैं कट्टर सरकार में 27 करोड़ की संपत्ति ये भी ले रहे हैं। अगले वो एमएलए जिन्हें बड़े बड़े चेहरे को पछाड़ के टिकट ली थी सोनीपत के सुरेंद्र पवार, जिन्हें बीजेपी की सिटिंग मंत्री कविता जैन को हराया, इनकी संपत्ति 27 करोड़ 50 लाख है। अगले से टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, इनकी संपत्ति से 36 करोड़ रुपए। फिर आए पानीपत सिटी के प्रमोद कुमार विज 48 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। अगले से राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ 49 करोड़ 26 लाख की
संपत्ति है। अगली जो विधायिका है बंसीलाल जी की पुत्रवधु किरण चौधरी तोसाम की एमएलए, इनकी संपत्ति है 51 करोड़ रुपए। अगली वो महिला विधायक नारायणगढ़ से जिन्हें बीजेपी के नायब सिंह सैनी को हराया और नारायणगढ़ की सीट पहली बार किसी महिला ने जीती से, इनका नाम से शैली, 53 करोड़ 49 लाख की मालिक से। फिर आए नरेंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से 58 करोड़ 58 लाख के मालिक से। फिर आए बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद जी 66 करोड़ 41 लाख की संपत्ति ले रहे से। फिर है अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद से, बड़ी मस्त संपत्ति है इनकी 66 करोड़ 66 लाख रुपए। अगले वो एमएलए जो पूरी विधानसभा में सब तक कम उम्र के से, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, इनके पास संपत्ति है 74 करोड़ 70 लाख रुपए की, अपने चाचा तक भी अमीर से हैं। फिर आए लोहारू तक कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी 76 करोड़ की संपत्ति ये भी ले रहे से। फिर से कुलदीप शर्मा को हराने वाली करनौर से निर्मल राणी 88 करोड़ की संपत्ति ये भी ले रही से। अगली जो विधायिका से वो अपने बेटे तक भी अमीर से, नैना चौटाला भादड़ा की एमएलए 91 करोड़ की संपत्ति ले रही से। अगले वो एमएलए जो सिर्फ 602 वोट तक अपनी सीट जीत पाए थे, सिरसा के एमएलए गोपाल कांडा 95 करोड़ के मालिक से हैं। भाई 5 करोड़ और इन्हें मिल जाए तो ये भी 100 करोड़ी क्लब में आ जाएंगे। ई बचे हुए जो अगले दो टॉप अमीर एमएलए हैं वो 100 करोड़ी क्लब के से हैं। जो सेकंड रिचेस्ट एमएलए हैं पूरी हरियाणा की असेंबली में वो से आदमपुर के कुलदीप बिश्नोई जी, इनकी संपत्ति है 105 करोड़ 54 लाख 42 हजार 180 रुपए। मजा आया कि नहीं बिश्नोई साहब की संपत्ति सुनकर। इब जो नंबर वन रिचेस्ट एमएलए हैं हरियाणा असेंबली के वो से महम के एमएलए बलराज कुंडू जी इंडिपेंडेंट हैं, इनकी संपत्ति है 141 करोड़ 19 लाख 84 हजार 37 रुपए। आनंद दांगी को हरा कर ये मैम तय एमएलए बने थे। दोस्तों आपने अपने एमएलए की संपत्ति की जानकारी लेकर किसा लग गया मैंने कमेंट करके बताइयो। यह वीडियो देखने थी मैं गौरव मानथारा, धन्यवाद करूँ।